नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अमन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने वीरवार को प्रेस वार्ता कर बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। भगवान परशुराम आर्मी के संस्थापक पंडित विजय शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि वर्तमान की ब्राह्मण सभा सिरसा का 2015 तक कार्यालय जिला रजिस्ट्रार फार्म एवं समितियों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2013 में SN पारिक को सभा का प्रधान नियुक्त किया गया था। हरियाणा कांग्रेस OBC सेल के पूर्व चेयरमैन विशाल वर्मा ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर के समक्ष एक याचिका डालकर रानिया विधानसभा से निर्दलीय विधायक चौधरी रंजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। याचिकाकर्ता के वकील SK वर्मा ने विधानसभा स्पीकर से आग्रह किया कि वह इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत अपना निर्णय सुनाए। स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ईद की सरकारी छुट्टी वाले दिन गैर कानूनी रूप से स्कूल में बुलाए गए बच्चों की स्कूल जाते समय हादसे में 5 मासूम बच्चों की हुई मौत पर शोक व्यक्त करते हुए इसको अभिभावक प्रशासन और स्कूल प्रबंधकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बताया। शहर के वार्ड नंबर 11 कंगनपुर रोड स्थित सुंदर नगर गली नंबर 5 बाबा काशीवाली में पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया है। हलोपा नेता राजन शर्मा ने बताया कि यह कार्य सिरसा विधायक गोपाल कंडा के प्रयासों से हुआ है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन व हरियाणा लोकसभा के विशेष संपर्क अभियान के सह संयोजक बाल किशन अग्रवाल 14 अप्रैल रविवार को शाम 5 बजे F ब्लॉक में स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक लेंगे।